नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का आखिर यही एक बाकी निशा होगा। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं संपूर्ण भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जो हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया हमें आजाद करवाने के लिए, मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूं, और हमारे जवानों को, किसानों को, जिन्होंने भी, हर एक उस इंसान को सैल्यूट है जिन्होंने इस आजादी में भूमिका निभाई। और प्यारे बच्चों, इस आजादी के उपलक्ष्य पर आपको उदास नहीं होना है, आपका एग्जाम है ना बड़ा जल्द है, और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की ये सेकंड क्लास। आज देखो, स्वतंत्रता दिवस पर भी, संडे के दिन भी मैं यहाँ आया हूं ताकि मेरे बच्चों का कोई नुकसान ना हो। पहले प्यारे बच्चों कंसेप्ट पढ़ेंगे, और यह वही बुक है जिससे क्वेश्चन आए थे। इसकी जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है सारी की सारी चीजें, वो देख लेना। और एक जरूरी सूचना है प्यारे बच्चों, एक नंबर दे देता हूँ, 7478-4007, जो हरियाणा पुलिस का और SI का 249 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, 4 दिन के लिए देख लेना, अच्छा लगे तो। कंप्लीट कोर्स है क्योंकि अभी फीमेल कॉन्स्टेबल का, मेल कॉन्स्टेबल की डेट आई नहीं है, फीमेल का कम से कम 1 महीने 4 दिन का है, तो कंप्लीट कोर्स है, वहां से ये देख सकते हो, अच्छा लगे तो। अदरवाइज यहाँ भी मैं आपको GK पढ़ाऊंगा, और ये टीम का कंप्लीट है कोर्स है, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों, पहले है ना ये लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा, पहले हम क्या चलेंगे, कंसेप्ट पर चलेंगे। किस पर चलेंगे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट पर चलेंगे। आज जो मैं मतलब आपको टॉपिक करवाऊंगा ना, उसमें 4 क्वेश्चन आपके प्यारे बच्चों आए हुए थे, ठीक है। जैसे हम है ना गाय के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आया था कौन सी गाय, द्विकाजी गाय है, कॉकरेंच वगैरह, ये क्वेश्चन आए हुए थे ना, ठीक है। तो आज सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम डिस्कस है करेंगे कि कौन कौन से इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन आपसे पक्का बन सकता है, ये क्वेश्चन बनना लाजमी है कि ये है ना हरियाणा की 86% भूमि किसके योग्य है, कृषि योग्य है, ठीक है। हरियाणा की कितने परसेंट भूमि, हरियाणा की ये क्वेश्चन बनेगा, कितने परसेंट भूमि कृषि योग्य है। तो हरियाणा की प्यारे बच्चों 86% भूमि है ना वो किसके योग्य रहेगी, कृषि करने योग्य। हरियाणा की कितनी भूमि रहेगी, 86% भूमि हरियाणा की किसके योग्य रहेगी, कृषि योग्य रहेगी। तो हरियाणा भारत का ना एक कृषि प्रधान देश है, एक क्या है, हरियाणा भारत का एक कृषि प्रधान क्या रहेगा, देश रहेगा। और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, हरियाणा भारत का कृषि प्रधान देश है, और हरियाणा भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है, लेकिन हरियाणा फिर भी भारत को कितनी परसेंट गेहूं देता है, 12% गेहूं देता है। इसलिए हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, गेहूं की टोकरी कहा जाता है। हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है, गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ये ग्रुप D के एग्जाम में आया था, हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है, गेहूं की टोकरी कहा जाता है। और प्यारे बच्चों वैसे गेहूं है ना भारत में उत्तर प्रदेश में गेहूं क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रति हेक्टेयर गेहूं है ना भारत में पंजाब में ज्यादा होता है, और प्यारे बच्चों हरियाणा में गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सिरसा में गेहूं ज्यादा होता है। तो हरियाणा में ये स्टेटिक आंकड़े है ना आपको याद रखने हैं, कितने परसेंट भूमि कृषि योग्य रहेगी, हरियाणा में 86% भूमि कृषि योग्य रहेगी। मेन मेन प्यारे बच्चों हरियाणा की जो फसलें है ना उनसे क्वेश्चन आपको मेन मेन है ना, वो वैसे तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बना रखी है, हरियाणा में कृषि भर लेना वो मिल जाएगी, लेकिन मेन मेन है ना मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। फिर हम है ना एक गाय के बारे में, गाय की जितनी भी नस्लें हैं ना आज उनके बारे में 4 क्वेश्चन आए थे गाय से या गाय की नस्लों से, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आज आपको डिस्कस है करवा दूंगा, ताकि कोई भी दिक्कत हो ना, मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं गाय की बात करूं, गाय की नहीं कृषि की बात करूं ना, 3 बातें याद रख लेना। एक तो कृषि में क्या होती है प्यारे बच्चों, रवि की फसल होती है। कौन सी फसल होती है, रवि की फसल होती है। इनमें थोड़ा सा आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक खरीफ की फसल होती है,
और एक कौन सी फसल होती है, जायद फसल होती है। कौन सी फसल होती है, जायद फसल होती है। ठीक है, अब एचएसएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक बार एचएसएससी ने पूछा था कौन सी फसल अक्टूबर के लास्ट में बोई जाती है। लैंग्वेज समझना, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, कौन सी फसल पूछा है इसने, अक्टूबर के लास्ट में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, तो ये कौन सी फसल रहेगी प्यारे बच्चों, रबी की फसल रहेगी। कौन सी फसल रहेगी, रबी की फसल। और खरीफ से एचएसएससी ने क्या पूछा था कि कौन सी फसल मानसून आगमन के पहले बोई जाती है, बोई जाती है, और नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है, यहां तो ये कहता है प्यारे बच्चों अक्टूबर के लास्ट में क्या बोई जाएगी, खरीफ बोई जाएगी। ठीक है, यहां क्या कहता है, नवंबर में कौन सी काटी जाएगी, रबी की फसल कब काट ली जाएगी। ये प्यारे बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, खरीफ की फसल की बात करूं ना, रबी की फसल ये क्या रहेगी। यहां पर कंफ्यूज मत होना कि सर ने खरीफ के आगे लिख दिया, रबी की फसल बिल्कुल सही बात है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। पहले है ना गेहूं की फसल है ना, वो हम 13 अप्रैल को काटते थे क्योंकि बैसाखी वाले दिन, और एचएसएससी मानती है हरियाणा में बैसाखी 14 अप्रैल, आज तक जितने भी एग्जाम हुए एचएसएससी ने माना हरियाणा में बैसाखी का बाती है 14 अप्रैल। तो ठीक है कि रवि की फसल है ना ये अक्टूबर के लास्ट में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। और इधर कह रहा है कौन सी फसल मानसून आगमन के पहले पोई जाती है और नवंबर में काट ली जाती है। तो प्यारे बच्चों एचएसएससी के दो एग्जाम हुए, दोनों में ये क्वेश्चन थे। अब एक तरफ तो ये कहता है कि अक्टूबर के लास्ट में बोई जाएगी, अक्टूबर के लास्ट में क्या है, बोई जाएगी, और इधर कहते हैं ये नवंबर में काट ली जाती है। तो फिर नवंबर में कटेगी तो अक्टूबर में बोई कैसे जाएगी। एचएसएससी है प्यारे बच्चों, कुछ भी कर सकती है। हाँ ये ठीक है, कौन सी फसल मानसून आगमन के पहले बोई जाती है, बिल्कुल खरीफ की फसल मानसून आगमन के पहले बोई जाती है, क्योंकि मानसून आता है सबसे पहले जून के महीने में आता है, और सबसे पहले मानसून आता है केरल के मालाबार तट पर, क्या आता है मानसून। तो रबी की फसल है प्यारे बच्चों, ये फसल है ना अक्टूबर के लास्ट में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में, आजकल तो है ना ये रवि की फसल प्यारे बच्चों नवंबर तक भी बोई जाती है, क्योंकि आजकल ना मौसम में पहले वाली वो बात है नहीं रही। जिस दिन कहा जाता है ना बारिश आएगी, उस दिन बारिश नहीं आती थी। एक बार की बात याद आ रही है, पिछली सरकार में रामविलास शर्मा जी के टाइम में जब शिक्षा मंत्रालय था, ये घोषणा हुई कि हरियाणा में तूफान आएगा, और प्यारे बच्चों दिल्ली में ये घोषणा होती ना तो दिल्ली वाले छतों पर नहीं जाते, वो मंदिरों में जाते कि हे परमात्मा करे तूफान ना आए, और हरियाणा वाले प्यारे बच्चों छतों पे थे और वेट कर रहे थे कब आएगा तूफान आएगा, कब क्या आएगा तूफान आएगा, और कुछ तो कह रहे थे प्यारे बच्चों मेरी तूफान से बात हो गई है, उसको टोल पर रोक रखा है, बोला जब तक हरियाणा में एंट्री नहीं है जब तक टोल नहीं देगा। कुछ कहते हैं कि मेरी तूफान से बात हुई, अभी खाना खाया है, अब चलने वाला है। तो ये हरियाणा से प्रधान या कुछ भी हो सकता है, तो ये याद कर लेना, खरीफ की फसल और रबी की फसल और जायद, जायद फसलें है ना प्यारे बच्चों क्या होती है, रबी की और खरीफ की फसल के बीच में कौन सी फसल बोई जाती है, जायद फसल बोई जाती है। बताता हूँ, रबी की फसल को ना आषाढ़ी फसल कहा जाता है। कौन सी फसल कहा जाता है, आषाढ़ी फसल कहा जाता है, और खरीफ को कौन सी फसल कहा जाता है, खरीफ को ना सावनी फसल कहा जाता है, क्योंकि खरीफ के महीने में ही सावन आता है, और जायद फसलों को क्या कहा जाता है, चारा फसल कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों सपोज करो जैसे रबी की फसल में ना बचपन से पढ़ते आ रहे, याद फिर भी नहीं होगा, जो गेहूं के साथ बोई जाएगी ना, गेहूं हो गया, जो हो गया, सरसों हो गया, ये लिस्ट मिल जाएगी आपको, ये सारी की सारी कौन सी फसल रहेगी आपकी, रबी की फसल रहेगी। खरीफ में ना आपका नरमा जैसे बोते हो, कपास बोते हो, ठीक है, इसके साथ साथ है ना जो धान हो गया,
ठीक है, जो गन्ना हो गया वो कौन सी फसल में चला जाएगा, वो कौन सी फसल में चला जाएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वो खरीफ की फसल में चला जाएगा। और जायद फसलों में ये चारा फसल आ जाएगी, कौन सी फसल आ जाएगी, चारा फसल आ जाएगी, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सारी इनमें कौन सी आ जाएगी जायद फसलों में। अब आप कहोगे सर जायद कब बोई जाती है, अब देखो रवि की फसल, रवि की फसल जैसे गेहूं है प्यारे बच्चों, और ये बीच में लिख दिया मैंने जायद और ये लिख दिया खरीफ। अब प्यारे बच्चों रवि के बाद गेहूं के बाद जिस किसान को ना नरमा या कपास बोनी है ना प्यारे बच्चों, वो जायद फसल नहीं बोता, लेकिन जिस इंसान को ना धान बोना है ना, तो गेहूं कटने के बाद है ना धान जब बोया जाएगा ना, कम से कम 2 से लेकर 3 महीने का जो खाली टाइम होता है ना, उसमें कौन सी फसल बो दी जाती है जायद, जो थोड़े टाइम में पक कर क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो इसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये किस में आते हैं जायद फसलों में, एग्जाम्पल रहेंगे। अब मेरे हिसाब से आपको ये चीजें पता होने चाहिए। तो ये ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 प्रकार का है। रवि की फसल प्यारे बच्चों ये है ना, वैसे HSSC मानती है कि कौन सी फसल नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, या ये भी HSSC पूछता है कि कौन सी फसल अक्टूबर के अंत में बोई जाती है, ये भी पूछ सकता है अक्टूबर के अंत में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट दी जाएगी, तो रवि है। और कौन सी फसल मानसून के आगमन पर बोई जाती है, खरीफ की फसल, और नवंबर में काट ली जाती है, तो खरीफ की फसल है। ये चीजों थोड़ा सा बेसिक चीजों पर कंसेप्ट पर ध्यान दोगे ना, टॉपिक कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान टॉपिक है। अब हरियाणा में ना प्रमुख है ना फसलों है ना, जैसे मेन मेन आपको याद करनी है, जैसे अगर मैं बात करूं ना गन्ना, गन्ना ना हरियाणा में कहां पर ज्यादा होता है, यमुना नगर में कौन सी फसल ज्यादा होती है गन्ना, और गन्ना है प्यारे बच्चों विश्व में ना गन्ना ब्राजील में कहां पर ज्यादा होता है, भारत में यूपी साइड, हरियाणा में यमुनानगर में। और गन्ना पर आपसे पूछे ना गन्ना कहाँ जाएगा मिल में, तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, एशिया की सबसे सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी, शुगर मिल कौन सी रहेगी, तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल रहेगी सरस्वती शुगर मिल, वो कहां पर रहेगी, यमुनानगर में रहेगी। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रट लेना, एक क्वेश्चन बनेगा आथी पुनर्स्थापना केंद्र कहां पर है, क्योंकि गन्ना आथी का आएगा, आथी पुनर्स्थापना केंद्र भी कहां पर हो जाएगा, ये भी प्यारे बच्चों यमुनानगर में आथी पुनर्स्थापना केंद्र भी हो जाएगा, गन्ना यमुनानगर में ज्यादा होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा गेहूं कहां पर ज्यादा होती है, गेहूं है ना प्यारे बच्चों ये सिरसा में ज्यादा होती है, कहां पर ज्यादा होती है, सिरसा फतेहाबाद साइड गेहूं ज्यादा होती है, ठीक है। और गेहूं के साथ है ना वो कपास पूछे ना, कपास भी ज्यादा कहां पर होती है, कपास भी ज्यादा प्यारे बच्चों आपकी सिरसा में होती है, और कपास के लिए वो पूछे कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहेगी, काली मिट्टी है ना कपास के लिए क्या मानी जाती है सबसे उपयुक्त, लेकिन एक बार HSSC ने पूछा था कौन सी मिट्टी है ना हरियाणा में नहीं पाई जाती है, HSSC ने क्या माना था, हरियाणा में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। तो प्यारे बच्चों HSSC है, कुछ भी कर सकता है। जैसे फल व सब्जियां पूछे, खट्टे फल व सब्जियां पूछे, वो सिरसा में क्या पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे है ना मक्के की बात करें ना प्यारे बच्चों, मक्का है ना ये आपका पंचकुला में, ठीक है, केथल में, करनाल में और कुरुक्षेत्र वाली पट्टी में क्या पाया जाता है, मक्का ज्यादा पाया जाता है। विश्व में मक्का है ना अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में, भारत में मक्का ज्यादा पाया जाता है। जैसे सरसों है ना, HSSC का आई लव यू क्वेश्चन है, सरसों कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, महेंद्रगढ़ में कौन सी फसल ज्यादा पाई जाती है प्यारे बच्चों, सरसों ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और वो पूछेगा ना सबसे इंपॉर्टेंट है ना चावल पूछेगा, चावल है ना वैसे प्यारे बच्चों करनाल में ज्यादा होता है और केथल में ज्यादा होता है, और कुरुक्षेत्र में कौन सी फसल ज्यादा होती है, चावल की फसल ज्यादा होती है, और इसीलिए धान का कटोरा या वॉल ऑफ राइस किसे कहा जाता है, करनाल को, लेकिन धान की सबसे ज्यादा किस्में, धान की सबसे ज्यादा किस्में कहां पर पाई जाती है, तो केथल में धान की क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा किस्में पाई जाती है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपसे बनना लाजमी है। जैसे एक एग्जाम में प्यारे बच्चों ये पूछा गया था जो, ये भिवानी और इसार में जो आए चाहे चना आए, जो और चना HSSC ने कहां पर ज्यादा माना था, भिवानी में
ज्यादा माना था। भिवानी और इसार में क्या होता है प्यारे बच्चों, भिवानी और इसार में ना जो क्या होता है ज्यादा होता है। एक बार एचएसएससी ने सरसों वाला तो सबसे ज्यादा एचएसएससी पूछती है, चना प्यारे बच्चों भिवानी जिले में ज्यादा होता है, चावल करनाल बाजरा महेंद्रगढ़ ये पूछ, ज्वार प्यारे बच्चों रोहतक में ज्यादा होती है, चना जहां पर भिवानी में, ज्वार है ना ये भी किस एरिया में ज्यादा होती है, रोहतक के एरिया में क्या ज्यादा होती है, ज्वार ज्यादा होती है ये आपसे पूछ सकता है प्यारे बच्चों। कपास की ना वो पूछेगा कितनी प्रकार की किस्में है, अमेरिकन व देसी कपास की कितने प्रकार की किस्में होती है, अमेरिकन व देसी कपास होती है तो कपास तो सबसे ज्यादा सिरसा में होती है, लेकिन सिटी ऑफ कॉटन कौन सा है, पलवल है, और कपास की सबसे बड़ी मंडी, ये तीनों क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। कपास है ना वो कहां पर ज्यादा होती है, सिरसा में, और कपास की सबसे बड़ी मंडी, कपास की सबसे सबसे बड़ी मंडी हरियाणा में कहां पर लगती है, तो रोहतक में कपास की सबसे बड़ी मंडी हरियाणा में कपास की कहां पर लगती है, रोहतक में, लेकिन सिटी ऑफ कॉटन कौन सा रहेगा, तो सिटी ऑफ कॉटन प्यारे बच्चों आपका पलवल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सिटी ऑफ कॉटन कौन सा हो जाएगा लाडले बच्चों, पलवल हो जाएगा। और वैसे हरियाणा में ना कृषि आप वीडियो डाल देना, 1.5 घंटे की वीडियो है, वहां पर ये डिटेल कंसेप्ट आपको करवाए गए, यहाँ पर ना मेन मेन क्वेश्चन जो बनेंगे प्यारे बच्चों उस हिसाब से चीजों को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, वहां से डिटेल में आप हरियाणा में कृषि भाई प्रदीप सर भर देना, 1.5 घंटे की क्लास है, बिल्कुल डिटेल से वो चीजें बताइए। यहाँ पर ना हमें फसलों के हिसाब से चलना है, वहां पर फसलों के कल्चर भी बताए थे, जैसे पीसी कल्चर, मत्स्य पालन है, सेरी कल्चर क्या रहेगा, बर्मी कल्चर, केंचुआ पालन है, ठीक है, वो सारे के सारे कल्चर भी हमने पढ़े थे प्यारे बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आपसे जैसे फल उत्कृष्टता के अंदर पूछे ना, मंजियाना सिरसा में है, फल उत्कृष्टता के अंदर, फल उत्कृष्टता के अंदर कहां पर हो जाएगा, मंजियाना सिरसा में हो जाएगा। और जैसे वेजिटेबल का पूछे ना, सब्जी उत्कृष्टता वाला पूछे ना, ये घरोंडा में हो जाएगा, घरोंडा कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट्स, मंजियाना सिरसा सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये कहां पर हो जाएगा लाडले बच्चों, गरोंडा करनाल में हो जाएगा। ये आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सिरसा में ना गेहूं कपास आंवला, अगर मैं बात करूं सिरसा में कौन सी फसलें ज्यादा होती है, गेहूं कपास प्लस आंवला सिरसा में ज्यादा होता है, या खट्टे फल व सब्जियां, या फल व सब्जियां ज्यादा कहां पर होती है, सिरसा में ज्यादा होती है, भिवानी में बाजरा चना मोटा आजा, बाजरा भी ज्यादा काम पर होता है भिवानी में, बाजरा चना और मोटा अनाज ये ज्यादा काम पर होते हैं प्यारे बच्चों, भिवानी में ज्यादा होते हैं, काम पर ज्यादा होते हैं, जिसे बॉक्सिंग का पावर हाउस मिनी क्यूबा किसको कहा जाता है, भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस और मिनी क्यूबा कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। सरसों है ना महेंद्रगढ़ में ज्यादा, इसके साथ साथ भिवानी याद करना, अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना आए ना सरसों तो अब भिवानी के साथ, क्योंकि वर्तमान में भिवानी में भी क्या होती है, सरसों ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीजें प्यारे बच्चों एग्जाम में आपसे पक्की पूछी जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ना एक दिन ना मैं प्यारे बच्चों आपको ना ये फसलों ये किस्में है ना, गेहूं वगैरह की किस्में हो गई है ना, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। जैसे है ना फरीदाबाद में रजनीगंधा व ग्लेडियोलस फूल पूछा जाता है, रजनीगंधा और ग्लेडियोलस फूल ये पूछा जाता है। हरियाणा में कौन सा फूल सबसे ज्यादा पाया जाता है, ग्लेडियोलस और ये ज्यादा पाया जाता है, और रजनीगंधा ये ज्यादा कहां पर होते हैं, फरीदाबाद में ज्यादा होते हैं। गेंदा पूछे ना ये गुरुग्राम में ज्यादा होता है, गुरुग्राम में ज्यादा पूछे। और जो गुलाब का फूल है ना एशिया में सबसे ज्यादा चंडीगढ़ और हरियाणा में ज्यादा गुलाब का फूल कहाँ पर होता है, पानीपत। और गुलाब का महीना पूछे तो फरवरी महीना आता है, पता नहीं कितने ही गुलाबों को इस महीने में सुसाइड करवाया जाता है। और प्यारे बच्चों किसी का किसी को मार करना, आप किसी के साथ अटैच नहीं हो सकते, वो तो गालिब का दौर अलग था जब वो कह दिया करते थे कि तेरे अलावा किसी और को देखा नहीं मैंने, और सूख गया किताब में रखा वो गुलाब मगर
फेंका नहीं मैंने। तो प्यारे बच्चों आपको ना गालिब की ये चीज है ना, गालिब एग्जाम टाइम में नहीं कहा करते थे कहीं, एग्जाम टाइम पे भी आप गुलाब वाली फीलिंग ले लो, दूर की बात होती है। जब एग्जाम ना हो ना तो हर प्रकार की इंसान को फीलिंग ले लेनी चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब एग्जाम आए ना तो एक टाइम में एक ही चीज की तरफ ध्यान हमें फोकस है ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। एक बार ये क्वेश्चन आया था, सबसे कम फल व सब्जी हरियाणा में कहां पर होती है? देखो दो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे ज्यादा फल व सब्जियां, सबसे ज्यादा फल व सब्जियां है ना वो कहां पर होती है? वो तो होती है सिरसा में। कहां पर होती है? और वो पूछे सबसे कम फल व सब्जियां, सबसे कम फल व सब्जियां ज्यादा कहां पर होते हैं, कम कहां पर होते हैं? वो महेंद्रगढ़ में होते हैं। कहां पर होते हैं? वो पूछेगा आम की बागवानी कहां पर नहीं होती? महेंद्रगढ़ में। वो पूछेगा फुआरों से खेती हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होती है? महेंद्रगढ़। और फुआरों से खेती लाडले बच्चों उन एरिया में होती है जहां पर क्या होती है, वर्षा कम होती है, ये भी आ सकता है। और फूलों की मंडी व प्रथम एग्री बिजनेस कॉलेज गुरुग्राम में है। फूलों की मंडी और प्रथम एग्री बिजनेस कॉलेज कहाँ पर रहेगा? हमारा गुरुग्राम में रहेगा। गेंदा भी लाडले बच्चों कहाँ पर था? गुरुग्राम में रहेगा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी रहेगी लाडुआ। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर रहेगी? लाडुआ में रहेगी। और लाडुआ कहाँ पर रहेगा लाडले बच्चों? कुरुक्षेत्र में रहेगा। आपको लगता है कि आपके टीचर इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं तो और कुछ नहीं चाहेंगे, वो आपसे कहेंगे प्यारे बच्चों व्यूज तो बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब ज्यादा किया करो प्यारे बच्चों, क्योंकि है ना आपकी बदौलत 4 लाख जब सब्सक्राइबर हुए ना, आपके प्यार की बदौलत हुए, लेकिन हमने सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि हमारे बच्चे क्या थे, दुखी थे। और जब मेरा बच्चा दुखी होता है ना तो उसको मैं कभी सेलिब्रेट नहीं करूंगा। 4 लाख क्या क्यों चाहे मिलियन हो जाए, क्योंकि इसको बनाने वाले कौन हो? आप हो। अब प्यारे बच्चों मैं ना ये तो फसलों से संबंधित कुछ चीजें थी, ठीक है। आज हम है ना गाय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? गाय के बारे में पढ़ेंगे। गाय की ना जितनी निस्ले HSSC ने ना यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे थे? 4 क्वेश्चन HSSC ने इस टॉपिक से पूछे थे, ठीक है। जैसे ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा गाय है ना ये प्यारे बच्चों कितने प्रकार की होती है? जैसे आपने सुना होगा एक तो देसी गाय होती है, क्या होती है? देसी गाय होती है। और एक क्या होती है प्यारे बच्चों? विदेशी गाय होती है। क्या होती है? विदेशी गाय होती है। जो देसी गाय होती है ना लाडले बच्चों उसमें क्या होता है? कुबड़ होता है। क्या होता है? कुबड़ होता है, ठीक है। यानी गाय के ऊपर जो बना होता है ना उसे क्या बोलते हैं? कुबड़। और जो विदेशी गाय होती है ना उसमें क्या नहीं होता प्यारे बच्चों? उसमें कुबड़ नहीं होता। और जो देसी गाय होती है ना उनकी जो खाल होती है ना वो नीचे यहाँ से देखो गर्दन के नीचे वो खाल लटकी होती है, और विदेशी गाय की ना खाल कम लटकी होती है। तो ये थोड़ा सा अंतर होना चाहिए देसी गाय और विदेशी गाय में। देसी गाय में ऊपर कुबड़ होता है और विदेशी गाय फ्लैट होती है। देसी गाय में वो नीचे वो चर्बी है ना वो ज्यादा लटकी होती है, ठीक है, खाल। और विदेशी गाय में चर्बी नहीं लटकी होती। ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे है ना जर्सी है ना वो एक जर्सी गाय की किस्म है ना वो पूछ लेगा कौन सी किस्म रहेगी? विदेशी रहेगी। जर्सी गाय कौन सी रहेगी? विदेशी गाय रहेगी। क्योंकि इनके ना प्यारे बच्चों मतलब कितने उम्र में ना गर्भ धारण करने की क्षमता या पहला ब्योंत कब आता है ये क्वेश्चन आया था। तो देसी गाय का बच्चा देने की उम्र 3 साल 6 महीने होती है। देसी गाय की बच्चा देने की उम्र 3 वर्ष कितने महीने होती है? 6 महीने होती है। अगर आपसे पूछे विदेशी गाय की बच्चा पैदा करने की उम्र कितनी होती है तो 2 वर्ष 6 महीने होती है। और एक संकर गाय होती है, संकर गाय, ठीक है, जो दोनों के मिक्स से बनती है, ठीक है, उसकी बच्चा देने की उम्र होती है 1 वर्ष 6
महीने, और ये HSSC ने पूछा था कितनी उम्र होती है, 18 महीने। तो संकर गाय की बच्चा पैदा करने की उम्र कितनी होती है, 18। देखो देसी गाय गाय है, विदेशी देसी गाय ज्यादा टाइम लेगी, 3 वर्ष 6 महीने, विदेशी 2 वर्ष 6 महीने, और संकर गाय दोनों को मिक्सर से बनती है, जिसे आप सांड वगैरह भी बोल देते हो। तो 1 वर्ष 6 महीने क्या होती है इनकी, ये ब्यांत की पहली क्या होती है उम्र, प्यारे बच्चों ये आपसे पक्का पूछा जाएगा, संकर गाय का क्वेश्चन आया था। तो ये प्यारे बच्चों 18 से 24 महीने के बीच में, 18 से 24 महीने के बीच में ना ये क्या देती है बच्चा पैदा करने की, इनकी जो टाइम होता है 18 से 24 महीने, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों HSSC ने पूछा था, ठीक है। और ये आ सकता है गाय किस परिवार के अंतर्गत आती है, तो गाय बोबिड बोबड़ी बोबड़ी या बोबड़ी परिवार के अंतर्गत क्या आती है गाय, गाय है ना वो किस कुल का हिस्सा रहेगी, तो बोबड़ी या बोबिड बोल लिया जाए, बोबड़ी याद करना, इस कुल का गाय क्या रहेगी प्यारे बच्चों, हिस्सा रहेगी। और देसी गाय में ना वो पूछेगा 58 गुणसूत्र, और विदेशी में 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देसी गाय में कितने कितने गुण सूत्र पाए जाते हैं, तो 58 पाए जाते हैं, और विदेशी विदेशी गाय में कितने गुण सूत्र पाए जाते हैं, 60 गुण सूत्र पाए जाते हैं। और मान्यता मान्यता प्राप्त गाय की नस्लें पूछे ना, तो ओनली प्यारे बच्चों 50 मान्यता प्राप्त गाय की क्या रहेगी, नस्लें रहेगी, ठीक है। और गाय कहाँ रहती है, तो ये शेड के नीचे गाय रहती है। और आजकल हमने प्यारे बच्चों इनके लिए वो गद्दे आते हैं वो भी हम लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि गाय हमारी क्या है, माता। और प्यारे बच्चों इस बार भारत की बात करूं ना, गाय की आबादी है ना 18% इस बार भारत में बढ़ी थी, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तो उसने गो हत्या पर क्या लगाए हैं, सख्त कानून ले आए हैं, ठीक है। तो ये पेपर में विश्व में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, गाय पाई जाती है। अगर आए विश्व में सबसे सबसे ज्यादा कौन सा पशु पाया जाता है, गाय ज्यादा पाई जाती है। भारत और ब्राजील गाय में क्या रहेंगे, अग्रणी देश है रहेंगे। एक गाय की साहिबाल प्रजाति हमने 1980 में कहां पर भेजी थी, ब्राजील भेजी थी, वो भी प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में लगभग है ना 19.5 करोड़ गाय पाई जाती है, भारत में ना कितनी, 19.5 करोड़ के आसपास गाय पाई जाती है। और भारत में मैं बात करूं सबसे ज्यादा गाय पश्चिम बंगाल में, लगभग 1.91 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास गाय कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक है। अब हम एक किस प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, साहीवाल प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे, साहीवाल, ठीक है। साहीवाल प्रजाति का ना वैसे जन्म हुआ था पाकिस्तान के मोंट मोंट मोंगरी जिले में, किसका जन्म हुआ था, साहीवाल का क्या हुआ था प्यारे बच्चों, जन्म वैसे साहीवाल गाय हरियाणा में सिरसा में ज्यादा पाई जाती है। और ये गोसा ये अगर आए ना पंजाब के, भारत में पूछे पंजाब के फिरोजपुर में, भारत में पूछे ना तो पंजाब के फिरोजपुर में, भारत में पूछे तो पंजाब के फिरोजपुर में ना किसका जन्म हुआ था, गाय का मतलब जन्म स्थान माना जाता है, साहीवाल गाय का माना जाता है। और ये पेपर में आता है मुल्तानी, और मुल्तानी इसका क्या नहीं रहेगा, उपनाम रहेगा, मुल्तानी है ना, क्योंकि मुल्तान भी पाकिस्तान में है, मुल्तानी क्या रहेगा, इसका उपनाम रहेगा। एक लंबी बर भी पूछ लिया जाएगा प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि इसमें दूध, इसका दूध क्या होता है, साहीवाल गाय का दूध सबसे ज्यादा मीठा होता है, सबसे ज्यादा मीठा होता है, और मीठे के कारण क्या होता है, इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लैक्टोज की मात्रा के कारण इसका दूध क्या होता है, मीठा ज्यादा होता है। और ये भी पूछा जाता है कि साहीवाल गाय को किस नाम से जाना जाता है, आलसी गाय के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। ये आलस में हम आलसी बच्चे हो गए हैं ना, ठीक है, मतलब एग्जाम एक अगर कैंसल हो गया ना तो हम आलसी हो गए, उदास हो जाते हैं। अरे तू राणा का वंशज है, हार यहाँ स्वीकार नहीं, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक है भाला जाए, हारना नहीं है जीतना है, उनके लिए कुछ करके दिखाना है, जो कहते थे भाई
तू कुछ कर नहीं सकता। उनको दिखाना है कि मैं वो कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों ये याद कर लेना। और इसमें ना कहते हैं इसकी ना आंखों पर चारों ओर क्या होते हैं, चार प्रकार के घेरे बने होते हैं। साहिबाल की आंखों के चारों ओर चार प्रकार के क्या बने होते हैं, घेरे बने होते हैं। और ये है ना लगभग एक ब्यांत में 2250 लीटर दूध देती है जो साहिबाल गाय है ना, एक ब्यांत में कितना 2250 लीटर क्या देती है, एक ब्यांत में दूध देती है। और इसके दूध में ना फैट या वसा की मात्रा कितनी होती है, 5% होती है। इसके दूध में वसा की मात्रा भी आ सकती है। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे जिस गाय से क्वेश्चन आया था, कोंकरेंच गाय से क्या आया था, क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आता है ये कौन सी गाय कहते हैं, इसको द्विकाजी गाय के नाम से जाना जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों ये भारी भरकम होती है, ये शक्तिशाली, साहिबाल आलसी थी, ये शक्तिशाली ज्यादा होती है। तो शक्तिशाली ज्यादा होती है तो दूध देने में भी काम आएगी, और शक्तिशाली ज्यादा होगी तो खेत में लोग इसको कृषि में भी प्रयोग करते हैं। इसी ये कहां पर पाई जाती है, कच्छ के रण में पाई जाती है, कच्छ के रण यानी गुजरात में ज्यादा पाई जाती है। कहां पर ज्यादा पाई जाती है, कच्छ के रण गुजरात। अमिताभ बच्चन जिसकी मसूरी करता है, इसका भूरा स्लेटी रंग होता है और माथा चौड़ा होता है। इसका रंग कौन सा होता है, भूरा स्लेटी रंग होता है। और इसका जो माथा होता है ना प्यारे बच्चों वो क्या होता है, चौड़ा होता है। इसका रंग कैसा होता है, भूरा स्लेटी रंग होता है। और कच्छ के रण गुजरात में कौन सी गाय पाई जाएगी प्यारे बच्चों, सही है, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कोंकरेंच गाय पाई जाएगी। और इसमें ना इसकी चाल है ना, इसके बेल की चाल होती है ना, गाय बेल दोनों होते हैं ना, बेल की चाल सवाई चाल होती है, इसलिए इसे सवाई गाय के नाम से भी, सवाई का मतलब अगर कोई 100 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और दूसरा 125, तो इसे सवाई गाय के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ना ये प्रति लीटर ये पूछे ना, ये भारत की सबसे भारी गाय रहेगी और एक ब्योंत में 1400 लीटर दूध देती है। ये भारत की क्या रहेगी, सबसे भारी गाय रहेगी। एक ब्योंत में जैसे वो 2250 लीटर दूध देती थी ना साहिबाल, ये कम देती है 1400। और इसके में दूध में वसा की मात्रा 4.8 से 5% तक होती है, उसमें केवल 5% तक थी। वो आलसी गाय थी, ये आलसी नहीं है, ये द्विकाजी, ये पेपर में आएगा। एक है ना मालवी गाय, कौन सी गाय होती है, मालवी गाय कौन सी गाय होती है प्यारे बच्चों, मालवी गाय। मालवी गाय ज्यादा कहां पर पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में ज्यादा पाई जाएगी। मालवी गाय कहां पर ज्यादा पाई जाएगी लाडले बच्चों, मालवी गाय है ना मध्य प्रदेश में ज्यादा पाई जाएगी। वो पूछेगा मालवी गाय कहां पर ज्यादा पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में कौन सी गाय ज्यादा पाई जाती है प्यारे बच्चों, मालवी गाय। पेपर में रट लेना, मालवी गाय ज्यादा कहां पर पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में ज्यादा पाई जाएगी। और ये पूछा जाता है इसका उपनाम महादेवपुरी और गंगात्री, महादेवपुरी मालवी महादेवपुरी और गंगात्री इसके क्या रहेंगे, उपनाम रहेंगे, ठीक है। तो माल मैं से मालवा और मैं से मध्य प्रदेश हो जाएगा। और इसके कान छोटे व इसके पूंछ क्या होती है, पूंछ सबसे लंबी होती है। इसके कान क्या होंगे प्यारे बच्चों, छोटे होंगे, और पूंछ क्या होगी, सबसे लंबी, पूंछ सबसे लंबी। वो पूछेगा किस गाय की पूंछ सबसे लंबी होती है, तो मालवी गाय की। प्यारे बच्चों जब बचपन में ना प्रस्ताव पढ़ा करते थे याद आता है, आज भी जब रट्टा लगाया करते थे, बोला गाय एक पालतू पशु है, इसकी चार टांगे और एक पूंछ होती है, कितना रट्टा लगाया करते थे। गाय हमारे सामने है फिर भी रट्टा लगा रहे, बचपन बड़ा अजीब होता था। और कई बार इंग्लिश वाले टीचर की हंसी आती थी, बोला बेटा चिंता मत करो, एक ही प्रस्ताव रट लो, जो आए उसमें नाम चेंज करना है। अब सभी को ना एक ही प्यारे बच्चों वो ऐसे याद होता था, माय बेस्ट फ्रेंड वाला जैसे हम पढ़ते थे, आई हैव मेनी फ्रेंड बट राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ही लव्स माय मदर, ठीक है, ऐसे करके हम वो रट्टा लगाया करते थे। और एक्चुअल में गलती से माय फादर का आ गया, तो बच्चे भी प्यारे बच्चों वो सोचते नहीं थे, उन्होंने ना वही बेस्ट फ्रेंड वाला लिख लिया, बोला आई हैव मेनी फादर बट राम इज माय बेस्ट फादर ही लव्स माय मदर। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि रट्टा लगाने के लिए चीजें नहीं बनती, कंसेप्ट को समझना सीखो।
और जब तक कंसेप्ट नहीं समझोगे ना तो चीजों का कोई फायदा नहीं है। गाय एक पालतू पशु है, चार टांगे होती है, एक पूंछ होती है, पूंछ से मच्छर मक्खी उड़ाती है, इसका बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है, गाय हमारी माता, इस प्रकार की चीजें जो चीजें हमारे सामने है फिर भी उसका रट्टा लगा रहे हैं। तो बचपन बड़ा निराला और अजीब होता था प्यारे बच्चों, और किस किस को बचपन की यादें ताजा हो गई वो कमेंट जरूर करना, किस किस ने इस प्रकार का रट्टा लगाया था। ठीक है, तो आगे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, ये दूध है ना 1200 लीटर, इसका दूध है ना वो और भी कम है, इसका दूध कितना होता है, एक ब्योंत में 1200 लीटर होता है, उसका देखो सबसे इंपोर्ट साहिवाल का 2250 लीटर था, कॉन्करेंस का 1400 लीटर था, इसका 1200 लीटर होता है। ठीक है, अब आती है प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा गिर गाय से, ये दक्षिण काठियावाड़, दक्षिण काठिया बाढ़, ठीक है, यानी ये भी गुजरात के हिस्से में ज्यादा पाई जाती है, यहाँ गिर जंगल में ज्यादा पाई जाती है, गिर जंगल है ना इसमें, ये एशियाई शेरों के लिए भी फेमस रहेगा, तो गिर गाय से भी क्वेश्चन आया था, ये दक्षिण काठियावाड़ या गिर जंगल में पाई जाती है, इसे गुजरात की शान अजमेरा कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, गुजरात की शान कहा जाता है, अजमेरा कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, गुजरात की शान महादेवपुरी, वो किसका नाम होता था, कोंकरेंच का नाम होता था, ये दक्कन के नाम से भी जानी जाती है, और कहते हैं इसी गाय को, वो मैंने गलती में बोल दिया, हमने साहिबाल को भेजा था, लेकिन हमने गिर गाय को ना 1980 में कहां पर भेजा था, हमने गिर गाय को ब्राजील भेजा था, वो ठीक कर लेना, हमने गिर गाय को 1980 में कहां पर भेजा था, तो हमने गिर गाय को 1980 में ब्राजील में भेजा, और ये है ना बहा मान के नाम से जानी गई, ब्राजील में इसे बहा मान के नाम से जाना गया था, गिर गाय को 1980 में भारत ने कहां पर भेजा था, ब्राजील, और इसे किस नाम से जाना गया, बहा मान के नाम से गिर गाय को जाना गया, ये पेपर में पक्का पूछा जाता है प्यारे बच्चों। और ये दूध है ना ज्यादा देती है 1500 से 1800 लीटर, ये दूध कितना देती है, 1500 से लेकर 1800 लीटर क्या देती है, दूध देती है, और इसमें भी फैट की मात्रा पूछे ना तो इसमें 4.5% होती है, 4.5% वसा की मात्रा, जैसे देखो साहीवाल 2250 लीटर दूध देती थी, कॉन्करेंस 1400 देती थी, भादवी 1200 देती थी, और ये गिर कितना देती है, 1500 से 1800 लीटर, और सबसे ज्यादा पूंछ लंबी भादवी की रहेगी, और सबसे शक्तिशाली कॉन्करेंस, इसीलिए उसे द्विकाजी गाय के नाम से जाना जाता है। जितने भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम में ना बने हैं ना, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, ये टॉपिक जो गाय वाला पढ़ा है ना आपने, चार क्वेश्चन इसे टॉपिक से पूछे गए थे, तो जैसे एक तो वो कब, जैसे बेअंत संकर गाय का पूछा था तो 18 से 24 महीने वाला आया था, ठीक है, एक द्विकाजी गाय कॉन्करेंस वाला आया था, ठीक है, एक गिर गाय वाला क्वेश्चन आया था, तो ये चार पांच क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम है ना साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन है ना ये गाय के, एक गाय से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हर प्रजाति के बारे में हमें पता होना चाहिए। गाय है ना भारत में पश्चिम बंगाल में ज्यादा पाई जाती है, हरियाणा में सिरसा में ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा गौशाला भी हरियाणा में काम पर रहेगी, सिरसा में रहेगी, तो ये चीजें है ना जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ही प्यारे बच्चों टॉपिक में मजा आता है। मैं तो कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक में ना क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आया था, रेशम, विषम में रेशम का प्रचलन किस देश में हुआ, चीन में, विषम में रेशम का प्रचलन, विषम में रेशम का प्रचलन, विषम में रेशम का प्रचलन किस देश में हुआ था, तो विषम में रेशम का प्रचलन प्यारे बच्चों चीन में हुआ था। कागज भी सबसे पहले किसने बनाया था, चीन वालों ने बनाया था, तो विश्व में रेशम का प्रचलन चीन में हुआ था। और भारत में रेशम है ना इससे संबंधित कल्चर पूछे ना, एक तो सेरी कल्चर रहेगा, सेरी कल्चर रहेगा, और एक मोरी कल्चर रहेगा, मोरी कल्चर रहेगा, सेरी कल्चर रेशम उद्योग है, मोरी कल्चर रेशम कीट है जो शहतूत पर लगता है, और कर्नाटक में क्या होता है, ये रेशम ज्यादा होता है, ठीक है, रेशम कर्नाटक में क्या होता है, ज्यादा होता है। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर, रेशम में पहले स्थान पर क्या रहेगा, चीन रहेगा, और दूसरे पर कौन रहेगा प्यारे बच्चों, भारत है ना। रेशम की पांच किस्में पूछी जाएगी, मलबरी मूंगा, रेशम की पांच किस्में रहेगी, मलबरी रहेगी, मूंगा रहेगी, ठीक है,
एक ट्रॉपिकल 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 ये भी रेशम की किस्म रहेगी। एक प्यारे बच्चों ट्रॉपिकल टसर और एक ईरी टसर पूछा जा सकता है, ट्रॉपिकल टसर और एक ईरी टसर, ट्रॉपिकल टसर टसर और एक ईरी ईरी टसर, ये प्यारे बच्चों किसकी, ये कूलर बंद कर दो यार आवाज आ रही है। मलबरी हो गई, मूंगा हो गई, ट्रॉपिकल टसर हो गई, ईरी टसर, ये किसकी किस्में रहेगी, ये किसकी किस्में रहेगी, ये फैन बंद कर दो आवाज आ रही है, ठीक है, किसकी किस्म रहेगी प्यारे बच्चों। भारत में कहते हैं रेशम की ना पांचों किस्में पाई जाती है, मलबरी मूंगा ईरी हो टसर ट्रॉपिकल टसर, मलबरी मूंगा ट्रॉपिकल टसर ईरी टसर और एक टसर, ये किसकी नस्लें रहेगी। रेशम की विश्व में पूछे रेशम की कितनी नस्लें पाई जाती है, पांच, और भारत में ना ये पांचों प्रकार की, जैसे मूंगा हो गया, मलबरी हो गया, एक ईसर हो गया, एक ट्रॉपिकल ईसर हो गया, ईसर, ये पांचों किस्में ना कहाँ पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, तो ये याद कर लेना। जैसे कॉफी भी कर्नाटक में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, सोना भी कर्नाटक में ज्यादा पाया जाता है, कहवा भी कर्नाटक में क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज तक एग्जाम में इनसे रिलेटेड आई है, तो मैं आपको कहता हूँ पहली है ना, हम प्यारे बच्चों 40 से 45 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। 33 तक हमने क्वेश्चन प्यारे बच्चों याद कर लिए थे, और मैंने आपको एक ही बात बताई है कि आपको ना BLDA का एग्जाम नहीं देना, आपको बस तुक्के आने चाहिए लगाने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको ना कंसेप्ट पता रहे ना रहे, लेकिन तुक्के जरूर लगाने आने चाहिए, ठीक है। इतना अगर BLDA का एग्जाम के लिए प्रॉपर अलग सब्जेक्ट हो जाता है तो उतनी तैयारी नहीं करनी। देखो ललित किस फल की उत्पत्ति प्रजाति मानी जाती है, ललित है ना ये गोबुआ यानी अमरूद की प्रजाति मानी जाती है, ललित किसकी प्रजाति मानी जाती है, अमरूद की प्रजाति कौन सी रहेगी, ललित रहेगी, ललित किसकी रहेगी, देखो ललित अमरूद की उन्नतशील प्रजाति है, ये जेली के लिए, कल भी मैंने बताया था जेली अमरूद किसके लिए प्रयुक्त होता है, जेली, और अमरूद को गरीबों का क्या कहा जाता है, सेब कहा जाता है, और गरीबों का सेब प्यारे बच्चों वैसे बेर को भी कहा जाता है। अमरूद के बरसाती फसल को मृग बार कहते हैं। बनारसी सुर्खी अमरूद की लाल गुंदे वाली किस्म है, तो इसकी लाल गुंदे वाली किस्म पूछे तो बनारसी सुर्खी हो जाएगी, ललित, ठीक है, अमरूद किसकी रहेगी, ललित किसकी किस्म रहेगी, अमरूद की। आगे आता है प्यारे बच्चों पूसा, पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतशील किस्म है, पूसा मंजरी है ना ये लौकी की है, ओनली पूसा पूछे ना, पूसा धान की किस्म है, लेकिन इसने पूछ लिया पूसा मंजरी, तो पूसा मंजरी आगे सब्जी लिख दिया ना, वैसे पूसा लिख देता तो कंफ्यूज हो जाते, तो वो धान की होती है, लेकिन पूसा मंजरी पूछे ना वो लौकी की क्या रहेगी, किस्म रहेगी, पूसा मंजरी किसकी किस्म रहेगी प्यारे बच्चों, लौकी की किस्म रहेगी, ये लौकी घिये को बोलते हैं, कहीं आप वो सोच लो कि लौकी ता यार लब दे फिर दे असी लब या यार गवा बैठे, तो वो नहीं सोचना, ये लौकी घिये को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, घिये को। किस राज्य में उगाने के लिए कहता है अनार की जालोर बीज रहित प्रजाति, यानी जालोर बीज रही प्रजाति में ना ये अनार की जालोर ये क्या रहेगी, इसमें बीज नहीं होता, और ये प्रजाति प्यारे बच्चों कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में, ये जालोर, जालोर देखो जैसलमेर जैसा लग रहा है ना, जालोर जैसलमेर, तो जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में। गणेश प्रजाति है ना महाराष्ट्र में, क्योंकि गणेश पूजन ही कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है, कंधारी हिमाचल प्रदेश में, और डोलका गुजरात में, गुजरात में जाते ही मन डोल जाता है, क्योंकि वहां पर देखने लायक क्या होती है, चीजें ज्यादा होती है। कैल्शियम ये किस प्रकार का प्रमुख अवयव है, तो कैसे कैल्शियम एयर, कैसे क्लोरोप्लास्ट, ये याद कर लेना, कैल्शियम है ना क्लोरोप्लास्ट है ना, किसका एक प्रमुख अवयव है, तो क्लोरोप्लास्ट का रहेगा। ये तो प्यारे बच्चों आराम से ये चीजें है ना साइंस में आपने बहुत ज्यादा पढ़ी होगी, ठीक है। आगे आता है प्यारे बच्चों से इंपॉर्टेंट है, वाष्पोर्जन किसके द्वारा मापा जाता है, ये देखो ट्रांसपेरेंसन यानी वाष्पोर्जन किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, पोटोमीटर के द्वारा क्या माना जाता है, वाष्पोर्जन मापा जाता है, ठीक है। जैसे वाष्प यानी वर्षा होती है ना, वाष्पोर्जन याद करना मुश्किल नहीं है, वाष्प वर्षा होते ही ना
हम है ना क्या होते हैं प्यारे बच्चों, खुशी से फटने लगते हैं। जब वर्षा होती है खुशी के मारे हम पटने लगते हैं, तो पोटोमीटर से वाष्पोर्जन को मापा जाता है। आगे आता है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि स्टोमेटा किस किस के नियंत्रण में होता है। तो ये प्यारे बच्चों स्टोमेटा है ना, यह पोटेशियम को क्या करता है, इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा, स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो स्टोमेटा है ना ये पोटेशियम के द्वारा क्या होगा, नियंत्रित होगा। ये प्रोटेशियम व हाइड्रोजन द्वारा नियमित होता है। पोटेशियम के साथ पूछे तो हाइड्रोजन के द्वारा क्या होता है, नियमित नियंत्रित होता है। आगे आता है जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित कर लेता है। तो जल का जो मूल रोम भाग है ना प्यारे बच्चों, रूट हियर्स बोलते हैं, जड़ का कौन सा भाग है, मूल रोम भाग या जो रूट्स हेयर्स है ना, क्योंकि रूट्स के नीचे जड़ें होती है ना, वही क्या करेगी खनिजों को। अब देखो प्यारे बच्चों, आप किसी पौधे को ना वैसे तो उखाड़ना मत, जैसे नरमे को अगर ज्यादा लगा होता है उसको उखाड़ कर देखोगे ना गहरे नरमे को, तो वहां पर नीचे उसकी जड़ें होती हैं, ठीक है, साइड में चलती है, तो रूट्स हेयर्स बोलते हैं। तो वो क्या करती है, खनिजों को क्या कर लेती है, अवशोषित। इसीलिए हम खरपतवार को निकालते हैं, क्योंकि वो है ना हमारे खनिज को ना ले जाए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। आगे आता है खनिज है ना जड़ भूमि में पौधों में स्थिर रहती है, जड़ें अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तनों और पत्ती में भेजती है प्यारे बच्चों। आगे आता है स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक। हानिकारक प्रदूषक आपको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा, सबसे क्या रहेगा, विषैला हानिकारक प्रदूषक रहेगा। ये पेपर में ना बहुत बार आपसे इसमें चारों बताए गए हैं, कौन सा इसमें देखो स्वचालित, इसमें देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया, स्वचालित वाहनों से यानी ऑटोमेटिक वाहनों से SA2 CO N2O और CO2 इसमें पूछ रखा है कौन सा ज्यादा रहेगा। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो कार्बन ऑक्साइड वो क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्बन ऑक्साइड है ना मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, और पौधे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए ना वातावरण में क्या होता है, समन्वय। लेकिन इसने ऑटोमेटिक क्वेश्चन को घुमा दिया, स्वचालित वाहनों में ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ना जो हानिकारक होती है, जीवाश्म इंधुओं के अर्थात खनिज तेल और कोयला के जलने से निकलता है, जिसके दहन में अति हानिकारक गैस कार्बन मोनो, ये पूछे कि किससे निकलता है, खनिज तेल और कोयला के जलने से निकलता है। तो ऑटोमेटिक वाहनों से CO गैस होती है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, वो खतरनाक होती है। क्लोरोफिल हरा होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये है ना क्लोरोफिल में ना ये देखो इसमें हरे प्रकार का परिवर्तित करता है, अवशोषित करता है, ये है सारी प्रक्रिया किसकी होती है प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जिसमें पौधे खाना तैयार करते हैं। लेकिन क्लोरोफिल हरे रंग के लवक होते हैं, इनकी खोज है ना सिमलर, इसकी खोज सिंपर नामक वैज्ञानिक ने 1885 में की थी। कांग्रेस की भी खोज 1885 में हुई थी। पत्तियों व पौधों के कुछ भाग हरे दिखाई पड़ते हैं, हरित लवक के द्वारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में लाल और नीला रंग अवशोषक ज्यादा होता है। तो इसमें प्यारे बच्चों इसमें अगर आंसर आता ना, तो इसका आंसर हमें करना था हरे वाला, कौन सा करना था, हरित लवक रहेगा, लेकिन हरित लवक इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। आगे आता है प्यारे बच्चों नाइट्रेट अवकारक किस में पाया जाता है। तो ये प्यारे बच्चों जो आपका साइटोप्लाज्म होता है ना, नाइट्रेट रिडक्ट एंजाइम साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसको एक्टिव साइट मोशन है जो इलेक्ट्रॉन, ये प्यारे बच्चों आप है ना जैसे कई चीजें है ना साइंस में पढ़े होंगे, साइंस की ये सारी की सारी चीजें साइंस का ही पार्ट होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस किस में होती है, तो ग्लाइकोलिसिस ये अभी तो हमने पढ़ा था साइटो प्लाज्म में ही क्या होती है, ग्लाइलोसिस होती है। आगे आता है प्यारे बच्चों गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम क्या होगा। तो ये 20 से 25 सेंटीमीटर जो तापमान होता है ना वो गेहूं के लिए क्या माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। तो गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए तापमान, चूंकि गेहूं ठंडे मौसम में होती है, अंत बीज के अच्छे जमा हेतु ये 20 से 25 डिग्री तापमान होना चाहिए, न्यूनतम 3.5 से 5.5 तक होना चाहिए प्यारे बच्चों। और जब ये फसल पक कर तैयार होने लगे ना तो 30 डिग्री सेल्सियस गेहूं है ना ये प्यारे बच्चों मार्च अप्रैल में काट ली जाती है और ये नवंबर में बोई जाती है। नवंबर के HSSC ने माना था ना
आगे आते हैं पौधों में जल की हानि क्या होती है। तो पौधों में जल की हानि प्यारे बच्चों पर्णम गोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल द्रवों से पौधों में क्या होती है जल की हानि होती है। ऐसे तो मैंने बताया था सबसे लंबा आंसर होता है ना वही उत्तर होता है। कई चीजों को याद कर लेना कईयों को रट्टा लगा लेना वैसे ये साइंस में ना आप पढ़ोगे ना बायोलॉजी वगैरह में तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक कौन सा हार्मोन होता है। तो प्यारे बच्चों अबसेसिक अम्ल होता है ना अबसेसिक एसिड होता है ना वो पौधों में रंध्र को बंद होने में क्या करता है सहायता करने वाला क्या रहेगा हार्मोन तो कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों अबसेसिक अम्ल रहेगा। इसकी पीडीएफ है ना जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ डाल दी है प्यारे बच्चों वहां से ये पीडीएफ निकाल लेना। और कोई मैं फिर दोबारा कहता हूँ कोई गारंटी नहीं होती प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दोबारा आएंगे लेकिन हमें ना मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है कि अगर इन केस ये क्वेश्चन है दोबारा आ जाए तो हमें क्या करेंगे ये याद कर लेना। वाष्पोर्जन किस पौधे भाग में सर्वाधिक उत्पन्न होता है। तो वाष्पोर्जन प्यारे बच्चों ये देखो मेसोफिक पौधे में मेसोफाइटिक पौधे में ना क्या होता है वाष्पोर्जन ज्यादा होता है ठीक है। वो वाष्पोर्जन के लिए मैं हमने पढ़ा ना पोटेट वाला वो स्टार्टिंग वाला पढ़ा था ठीक है उसको उससे क्या मापते हैं पोटोमीटर से इसको मापते हैं। ये मेसोफाइटिक उन स्थानों पे उगते हैं जहाँ की जलवायु न तो शुष्क हो और न ही नम हो तो ये याद कर लेना। आगे आता है प्यारे बच्चों निम्न में एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है। तो ये स्टोमेटा और लेनेटिसिस में समान प्रकार का क्या होता है कार्य होता है। आगे आता है किस और नाम से जाना जाता है वाट निरपेक्ष श्वसन को एरोबिक इज आल्सो नोन एज ऑक्सीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है ऑक्सीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक है नहीं है प्यारे बच्चों जो प्रजनक बीज होते हैं ना उनके लिए प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता हमें नहीं होती लेकिन प्रमाणित बीज तो प्रमाणित रहेगा पंजीकृत आधार रहेगा तो प्रजनक बीज के लिए ये तो प्यारे बच्चों वैसे ही आप देख कर जवाब दे सकते हैं। कुछ कॉमन सेंस के भी होते हैं। बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होती चाहिए तो प्यारे बच्चों कम से कम है ना गेहूं के आधारीय बीज में 3 मीटर की क्या होनी चाहिए कम से कम दूरी होनी चाहिए। ये अलग अलग दूरियां दे रखी है प्यारे बच्चों। किस फसल के लिए आधारीय बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मानी गई है गाजर क्योंकि गाजर के लिए ना कम से कम भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए फाउंडेशन सर्टिफाइड 95% होना चाहिए अदरवाइज गाजर नहीं होगी। देखो ये सबसे ज्यादा पूछे तो कद्दू कद्दू में 99% होना चाहिए ठीक है। बीज प्रमाणिकता क्यों आवश्यक है ये तो सभी के लिए हो गई उन्नतशील किस्म के लिए आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता के लिए या निर्धारित अनुकूलन के लिए तो ये उपयुक्त है सभी के लिए हो जाएगा। बीज प्रमाणिक होगा अच्छा होगा तभी सर्टिफाइड होगा तो ही प्यारे बच्चों किसान की फसल क्या होगी ज्यादा होगी अदरवाइज किसान की फसल क्या नहीं होगी ज्यादा नहीं होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। गेहूं के आधारीय बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है तो ये तो हमने पढ़ा था ना 3 मीटर की होती है। केंद्रक के ये पूछा परिपक्का बीज में केंद्रक के परसिस्टमेंट बाहरी परत को क्या कहते हैं तो ये प्यारे बच्चों केंद्रक की बाहरी परत ये देखो परसिस्टेंट में पेरिस्पम कहा जाएगा क्या कहा जाएगा पेरिस्पम कहा जाएगा। आगे आते हैं पुष्प प्रवृत्ति और बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव कौन सा रहेगा तो ये बच्चों फाइटोक्रोम फाइटोक्रोम क्या रहेगा अंकुरण के लिए क्या रहेगा प्यारे बच्चों विशेष ग्राही वर्णक होते हैं ठीक है। तो ये एक चमकीले नीले रंग का प्रोटीन होता है जो अल्प प्रकाशीय पौधों में रोकता है ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगा तो कौन सा रहेगा फाइटोक्रोम रहेगा ये याद कर लेना। आगे आता है भारत सरकार के प्रथम पादक रक्षण सलाहकार कौन थे तो रक्षण कलाकार एच एस पृथ्वी होते थे ठीक है। पृथ्वी में कोई काम होगा तो वो पृथ्वी करेगा ना एन एस पृथ्वी भारत सरकार के प्रथम पादप रक्षण तो पादप कहां पर उगाए जाएंगे पृथ्वी पर तो एच एस पृथ्वी हो जाएगा। गंभीर चूसक नाशक जीव कौन सा है तो गंभीर चूसक नाशक के जो है ना प्यारे बच्चों वो रहेगा लीफ होपर। ये तो प्यारे बच्चों आप देखोगे कपास में जो लीफ होपर होता है ना वो फसलों को क्या कर देता है बर्बाद कर देता है तो गंभीर ये कौन सा रहेगा लीफ होपर कपास में गंभीर चूसक नाशक जीव लीफ होपर है ठीक है। इसके चूसने के बाद वो है ना पत्ती जो मतलब जिनसे वो कपास के डिंडे बनने होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं प्यारे बच्चों और चित्तेदार सुंडी अमेरिकन सुंडी व गुलाबी सुंडी के काटने से ये
हो मुखांग होते हैं। निम्न में कौन सा जैव पीड़क नाशक नहीं है? तो प्यारे बच्चों जो कॉर्बोरिल है ना वो पीड़ित कीटनाशी है, लेकिन जिसका ट्रेड नेम क्या रहेगा, इसका प्रयोग 5 से 10 मीटर बेटवेन पाउडर को 8% दाने के रूप में मिलता है। तो कौन सा जैव पीड़क नाशक नहीं है? तो कार्बोलेनिन है ना वो जैव कीटनाशक है, नहीं रहेगा। आगे आता है प्यारे बच्चों श्रमिक मधुमक्खी क्या होती है? तो श्रमिक मधुमक्खी होती है नपुंसक होती है। क्या होती है? यानी ये सारा दिन काम करती रहती है। देखो श्रमिक छत्ते में श्रमिक मधुमक्खी की संख्या सर्वाधिक होती है। वास्तव में ये निषेचित अंडों से निकलती हुई मादाएं हैं जिन्हें रॉयल जेली बहुत कम, जेली अमरूद वाला आ गया ना, रॉयल जेली बहुत कम खाने को मिलता है, जिससे ये बांझ रह जाती है तथा स्तनोपत्ति के योग्य नहीं है। तो श्रमिक श्रमिक काम करेगा तो कोई और काम करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे याद कर सकते हो, स्टेरिलिक फीमेल नपुंसक मादा हो जाएगी। भारत में किस फसल में सबसे अधिक कीटनाशक प्रयोग होता है? तो कपास में प्यारे बच्चों बोते ही हम कीटनाशक का प्रयोग शुरू कर देते हैं। होता तो धान में है लेकिन धान कम टाइम की होती है, इसलिए कपास इज द राइट आंसर। दीमक के निवास स्थान किस और नाम से भी जाना जाता है? तो दीमक के निवास स्थान को माउंड बोला जाता है, क्योंकि ये प्यारे बच्चों घरों में ना वो क्या बना लेती है, एक आवरण बना लेती है, जिसे माउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंड कहा जाता है प्यारे बच्चों। आगे आता है कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारक है? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा पीड़क आलू के इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों? कौन सा पीड़क आलू के कंद की खेत तथा भंडारक दोनों जगह पर आक्रमण करता है? तो ये कौन सा रहेगा? आलू का कंद मोथ है, ठीक है। आलू का कौन सा भाग रहेगा? कंद मोथ भाग रहेगा। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष आया था? तो विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम विनाश कब हुआ? जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो 1914 में आ गया। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम कब आया था? 1914 में आया था। आगे आता है बेसलेस थ्यूरिलिनिसम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ये एस आइसवाटा नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। किसने किया था? इसने किया था। आगे आता है तृतीय संतति पीड़नाशक। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तृतीय संतति पीड़नाशक शब्द किसके लिए दिया गया था? तो ये प्यारे बच्चों ये ना तीन प्रकार के होते हैं, इसमें स्टार लगा गया, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। ब्रेन हॉर्मोन मस्तिष्क की तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाओं द्वारा होता है, जुबेलाइन हार्मोन या कार्पोरा एलाटा द्वारा स्थापित होता है। तो उदाहरण ये प्यारे बच्चों आप पढ़ लेना। वैसे ये ना पीडीएफ मैंने कहां पर डाल दी है? जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ डाल दी है, वहां से डाउनलोड कर लेना। और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है ना, ये मैं कहता हूं अलग से बीएलडीए का क्या होता है सब्जेक्ट, और एचएसएससी ने वहां से क्वेश्चन दिए थे। आगामी एग्जाम में ना कोई जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चों महज 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन हमें ना 5-7 क्लास अगर इसकी लगा लेंगे ना तो ये मत समझना कि कोई आपका टाइम खराब हो गया। वैसे भी प्यारे बच्चों व्हाट्सएप पर भी 2-3 घंटे आप हाय हेलो में निकाल देते हो, रॉन्ग नंबर से जब राइट मैसेज आता है तब भी तो 2-4 घंटे निकाल देते हो ना। बस 5-7 घंटे अलग से आईपीसी और सीआरपीसी भी प्यारे बच्चों जो आपको 115 क्वेश्चन करवाए थे ना वो पढ़ लेना, कोई अगर आया तो उनसे बाहर नहीं आएगा। बस मैं तो आपको कहता हूं मेहनत करना थम, कंटेंट का प्रबंध करेंगे हम। ये प्यारे बच्चों अगर कहने को मैं कहता इसका अलग से मैं मतलब आपके लिए कोर्स लेकर आऊंगा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के नोट्स है ना, मैं आपको 20 रुपए में दूंगा, क्या फायदा है? क्योंकि हमें बनाने वाले तो आप हो ना। और प्यारे बच्चों ना आईपीसी और सीआरपीसी के नोट्स के मैंने आते ही ना सीधा मैंने टेलीग्राम में डाल दिए थे, क्योंकि आपके कारण ही हम हैं। आपके बिना प्यारे बच्चों मेरा क्या किसी भी टीचर का कोई वजूद नहीं है। जब तक आप हो ना, जब तक हम हैं, तो प्यारे बच्चों हम आपके साथ है, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। और स्वतंत्रता दिवस पर ना जो हरियाणा पुलिस और ग्राम जो कोर्स है ना 249 रुपए का कर दिया गया है प्यारे बच्चों, ये है ना 249 रुपए का एक महीना, अगर 5-7 दिन है ना आप एक अच्छे से लेवल वाली क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चिंता मत करना प्यारे बच्चों, हर हाल में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो आपको पढ़ना होगा, और पढ़े बगैर प्यारे बच्चों आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
तो मैं आपके लिए हर टाइम क्या रहूंगा, हाजिर रहूंगा, बस है ना, आप मायूस मत होना। क्योंकि प्यारे बच्चों, कोई रोता हुआ बच्चा मेरे को दिखाई देता है ना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, उसके भावनाओं में बह जाता हूँ। तो कोशिश किया करो प्यारे बच्चों, उदास कम से कम हुआ करो। हम आपके साथ है ना, विचार से विश्वास तक है, आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है ना। अगर क्वेश्चन आप कहते हो कि 10-12 नंबर का पेपर है ना, वो पढ़ा हुआ नहीं आया, तो वहां तो कंपटीशन बनना ही नहीं है ना। पढ़ा हुआ नहीं आया तो मेरिट लिस्ट और कम जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कंपटीशन बनता है। जो आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, मैंने वो गलत कर दिया, आपने वो सही कर दिया, कंपटीशन वहां क्रिएट होगा प्यारे बच्चों। तो जो आउट ऑफ सिलेबस है ना, वो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। वो प्यारे बच्चों, अगर पेपर आउट होता है ना, तो उसके लिए भी वो आउट ऑफ सिलेबस की नहीं तैयार कर पाएगा, क्योंकि उसने भी नहीं पढ़ा होगा। और हम परमपिता परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि मेरे हर पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए, क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं ऐसियत पूछने वाली है प्यारे बच्चों। तो देर से बनो, लेकिन जरूर बनो, उनके लिए बनो जिन्होंने कहा था कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए ये क्लास इतनी रहेगी। आज 15 अगस्त को स्पेशल आपके लिए क्लास लेने आया था, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये 249 रुपये वाला कोर्स 7478-4007 पर आप कॉन्टेक्ट करके दूरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना। लव यू ऑल।